गुरु चूंकि ज्ञान के कारक हो जाते हैं, गुरु आध्यात्मिक चीजों के कारक होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के द्योतक होते हैं, आध्यात्मिक सुखों को देने वाले हो जाते हैं, उच्च विद्या के मालिक होते हैं, दिव्य सुंदर देह को रखने वाले हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं। आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोणगत होते हैं और कितने अंशों तक किस राशि में वो मूल त्रिकोणस्थ कहे जाते हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल पे कि क्या आपको ज्ञान से संबंधित समस्या हो रही है, ज्ञान अर्जन करने में याददाश्त क्षमता कमजोर है, किसी भी बात को याद रखने में दिक्कत होती है, प्रायः भूल जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, एक जगह स्थिर होकर के 2 से 3 घंटे 4-5 घंटे पढ़ नहीं पाते हैं, या कई बार पढ़ाई में उच्च शिक्षा को नहीं अर्जित कर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आपके संतति पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं, आपकी संतति पढ़ाई से कोसों दूर होना चाहते हैं, ये क्यों होता है इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कुंडली में जब गुरु जो ज्ञान के कारक होते हैं अगर वो ग्रह कमजोर हो जाता है या फिर उनकी स्थिति अगर मजबूत नहीं होती है तो कई बार जातक के ज्ञान के पक्ष को वो कमजोर कर देते हैं। अगर कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं तो वो ग्रह जिन जिन चीजों का कारक होता है उसके प्रभाव को वो कम कर देता है। तो गुरु चूंकि ज्ञान के कारक हो जाते हैं, गुरु आध्यात्मिक चीजों के कारक होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के द्योतक होते हैं, आध्यात्मिक सुखों को देने वाले हो जाते हैं, उच्च विद्या के मालिक होते हैं, दिव्य सुंदर देह को रखने वाले हैं, तो अगर ये कुंडली में कमजोर हैं तो निश्चित रूप से इन सभी चीजों से आपको वंचित कर देंगे या इन सब चीजों से कमतरी देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, आज की जो विषय है और आज का जो कार्यक्रम है वो गुरु के मूल त्रिकोण राशि के बारे में चर्चा को लेकर के उपस्थित हूं। प्रिय दर्शकों, गुरु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और कथा आती है कि ऋषि कर्दम के 3 संतति जिनमें से तीसरी और सबसे छोटी पुत्री जो थी श्रद्धा उनका नाम था, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ था और उन्हीं के संतति देवगुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। बृहस्पति मतलब एक ऐसा ग्रह जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है और ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, 1 अंश से लेकर के 5 अंशों तक। मतलब ये कि आपकी कुंडली में गुरु जहां बैठे हैं, देव गुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं, ये जहां बैठेंगे वहां पे व लिखा रहेगा, व या बृहस्पति या गु लिखा रहता है। तो जहां भी बैठे हैं ये आपकी कुंडली में, क्या वो अंक 4 नंबर लिखा है, यानी कि गुरु कर्क राशि में 4th नंबर की राशि मेष वृष मिथुन कर्क, 4 नंबर लिखा होना यानी कि 4th नंबर की राशि में, तो 4th नंबर की जो राशि है वो कर्क राशि है, यानी कि चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। और कोई भी ग्रह अगर उच्च का है यानी कि उससे संबंधित चीजों में वो वृद्धि कर देगा। तो गुरु जिन चीजों के कारक हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, विधि के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं, ये काल पुरुष की कुंडली में इनको जो स्थान दिया गया है वो ज्ञान का कारक माना गया है, ज्ञान के पक्ष को बताया गया है। और शारीरिक दृष्टि से देखें तो इनको जो क्षेत्र मिला है वो कमर से लेकर के जंघा तक की स्थिति को दिखा रहे हैं। अगर कुंडली में गुरु मजबूत हैं या जो जातक कुंडली में गुरु से प्रभावित है वो कैसा होगा, या गुरु जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, अगर गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं, मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, तो क्या क्या होगा, कल्पना करिए नेत्र बंद करके। एक ऐसे पुरुष की कल्पना करिए जो बिल्कुल दिव्य देह वाला हो, लंबे शरीर को धारण करने वाला हो, उसकी भुजाएं बिल्कुल पुष्ट और मजबूत हों, लंबा शरीर, दिव्य भूरे बाल, स्वच्छ नेत्र और भूरे नेत्र को रखने वाला हो। भुजाओं में सर्वाधिक जो पुष्ट जगह होती है वो उसकी जांघें होती हैं, मतलब जांघें शरीर की सबसे मजबूत हो जाती हैं, और बाद में अगर देखें तो उसके बाल बिल्कुल भूरे और शरीर के प्रत्येक अंगों में बाल की अधिकता होती है। साथ ही साथ वक्षस्थल चौड़ा होगा, वक्षस्थल मतलब सीना, चेस्ट जो होता है वो शरीर का चौड़ा होता है। भुजाओं में अगर सेप्स देखें तो ये स्थिति जो है परस्पर बाजुओं की वो पुष्ट होती है, मजबूत होती है, मांसपेशियां बिल्कुल मजबूत और दृढ़ होती है, मजबूत
कठिन होती हैं, कठोर होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर कुंडली में गुरु मजबूत हैं तो वो अच्छे ज्ञान को देने वाले हो जाएंगे। आपके अंदर शिक्षण कला मजबूत होती है, किसी को भी सिखाने की तीव्र स्थिति हो जाती है। अगर किसी को भी कोई बात सिखानी हो तो अत्यंत तीव्रता से और बहुत सुगमता से सिखा देते हैं, उच्च शिक्षा को देने वाले हो जाते हैं, हायर एजुकेशन में लेकर के जाते हैं और परस्पर शिक्षा में अवरोध नहीं आने देते हैं। एक बार में कोई भी चीज सीख लेते हैं, आध्यात्मिक सुखों को देने वाले हो जाते हैं, पारलौकिक सुखों को देने वाले हो जाते हैं और परस्पर आस्तिक विचारों के रखने वाले हो जाते हैं। अगर कुंडली में ये सारी चीजें, आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत है, क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसा ग्रह जो कुंडली में समस्त प्रकार के दुर्योगों का शमन करने की ताकत रखता है। अगर कुंडली के सारे ग्रहों को एक तरफ रख दें और एक तरफ सिर्फ गुरु अगर अच्छी स्थिति में है तो सारे प्रकार के दुर्योगों का और हर प्रकार के कुयोगों का ये नाश कर देते हैं। कहा जाता है किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में गुरु हो और उच्च के हो जाएं या फिर मूल त्रिकोणस्थ हो जाते हैं या स्वराशि के भी हो तो ये अच्छे और सर्वोत्तम चीजों को और सर्वोत्तम सुखों को देने वाले हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो देव गुरु बृहस्पति के यानी कि जुपिटर जो ग्रह हैं, इनको 12 उपग्रह यानी कि 12 जो उपग्रह हैं ये इनकी परिक्रमा करते हैं और देव गुरु बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं। ये स्थूल शरीर के हैं, मोटे देह वाले हैं और लंबे हैं। एक राशि में 12 महीने रहना यानी कि एक वर्ष तक रहना। चार जो इनके उपग्रह थे, इनके जो खोज हुए थे वो 16वीं या 17वीं सदी में गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऐसी स्थिति देखने में बनती है। ये एक स्थिति ऐसी ग्रह की जो बिल्कुल सबसे बड़ा है, ग्रहों में सर्वाधिक मजबूत, सर्वाधिक बड़ा और अत्यंत गुरुतर है। हाथी पे इनकी सवारी चलती है, हाथी के समान इनका शरीर होता है। मैंने बताया कि एकदम बिल्कुल ऐसी भुजा जो दिव्य देह वाली हो। हमारे जो अपने गुरु हैं जिनके यहाँ मैं गुरु पूर्णिमा में गया था या परस्पर उनसे जब बात होती है, उनकी कल्पना अगर मैं करता हूँ तो साक्षात उनमें गुरु की भूमिका दिख जाती है। दिव्य लंबे बाल, भूरे बाल, दिव्य नेत्र और देखते ही साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाए, ऐसे हैं गुरु मेरे। अगर आपके गुरु के अंदर ऐसी गुरुता दिखती है तो निश्चित रूप से उनके अंदर गुरुता का वास है। ये गुरु की बात रही। अब बात करते हैं कि गुरु कर्क राशि में, मैंने बताया एक अंश से लेकर के 5 अंश तक उच्च के कहे जाते हैं, परम उच्चस्थ होते हैं यानी कि अच्छी स्थिति। और ठीक यहां से 7वीं राशि, तो कर्क राशि से 7 राशि आगे गिनिए, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, यानी कि गुरु अगर जहां आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है यानी कि गुरु वहां के नीच के हो जाते हैं और परस्पर जिन जिन चीजों के कारक होते हैं उन चीजों में वो नलिफाई करेंगे या उसके क्षेत्रों में कमी ला देंगे। गुरु पुत्र देने वाले होते हैं, गुरु पति के कारक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु आध्यात्मिक विद्या के कारक होते हैं, गुरु उच्च विद्या के कारक होते हैं, गुरु पेट के कारक होते हैं, गुरु मांस के कारक होते हैं, वात के कारक होते हैं, गुरु इन सब चीजों के कारक होते हैं। ज्ञान मतलब हर प्रकार का ज्ञान, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति को दे देंगे, उस क्षेत्र में आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। और जातक हमेशा आस्तिक बुद्धि का होता है, धर्म में आस्था रखने वाला हो जाता है। कहा जाता है गुरु राम पुरादी नाम मठस्या धीपति सुधीह, मतलब गुरु ग्राम पुरादी नाम मठस्या धीपति सुधीह, मतलब अगर कुंडली में गुरु मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं तब वो आपको किसी ग्राम का मुखिया बना देंगे, ग्राम का मालिक बना देंगे, सेठ बना देंगे, किसी मंदिर का प्रधान पुजारी बना देंगे, मठ का अधिपति बना देंगे। गुरुता का भाव विकसित करने वाला एक ऐसा दिव्य पुरुष जो सबको शिक्षा देने वाला हो जाए, उच्च पदस्थ अधिकारी बना देंगे। जहां भी जाएगा वो उच्च पद पे ही सुशोभित होगा, विभूषित होगा, उसके दिव्य ललाट होंगे, चमकता हुआ चेहरा होगा और प्रायः ब्रह्मचर्य व्रत को धारित करने वाला होता है। ब्रह्मचर्य व्रतधारी होता है और स्त्रियों में अनुरक्ति या स्त्रियों में आसक्ति कम होती है,
अपनी तरफ सबको आकृष्ट करने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति गुरु के उच्च और अच्छे स्थिति में होने के कारण हो जाती है। अब बात करते हैं, मैंने सबसे पहले बताया गुरु उच्च के, उसके बाद मैंने बताया गुरु नीच के। अगर गुरु मकर राशि में बैठे हैं और उनका अंश जो है वो एक अंश से लेकर के पांच अंश तक है, यानी कि वो परम नीच के होकर के बैठे हैं और उनके प्रभाव में कमतरी देखी जाएगी। और जैसे ही अगर वो नीच राशि में भी बैठे हैं लेकिन अगर वो पांच अंश से ज्यादा पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो नीच के नहीं कहे जाएंगे या फिर वो स्वराशि का फल देंगे। अब बात करते हैं प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय कि गुरु मूल त्रिकोण कहां होते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु को दो राशियों का अधिपति माना गया है। सबसे पहले तो उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो धनु राशि होती है, नौ नंबर की राशि। तो गुरु जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, अगर वहां नौ नंबर लिखा है, यानी कि कुंडली में गुरु आपके मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, लेकिन यहीं पर इसका फलादेश अंत नहीं होता है। वहां पर यह देखना आवश्यक है कि गुरु अगर नौ नंबर की राशि में बैठे हैं तो क्या उनका अंश एक अंश से लेकर के दस अंशों तक है। एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु नौ नंबर की राशि में बैठे हैं और अगर उनका जो अंश है वो एक अंश से लेकर के दस अंशों तक है, या कई शास्त्रों में तेरह अंश तक भी माना गया है, तो अगर आपकी कुंडली में गुरु नौ नंबर की राशि में बैठे हैं और एक अंश से लेकर के तेरह अंशों तक उनका अंश है, तो इसका मतलब है कि गुरु आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण होकर के बैठे हैं। और ऐसी अवस्था में वो सर्वाधिक सुख, सर्वाधिक विद्या, सर्वाधिक ज्ञान, सर्वाधिक विधि का विधाता, विधि का विशेषज्ञ, न्याय से युक्त और एक श्रेष्ठ पुरुष को बनाने वाले हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली में गुरु अगर कमजोर हो जाते हैं तो उनके रत्न पुखराज या टोपाज को पहना जाता है और प्रायः ब्राह्मणों की आराधना की जाती है। किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी देवता की नित्य प्रतिदिन आराधना और उनका दर्शन करना आवश्यक हो जाता है। एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने बताया गुरु के मूल त्रिकोण राशि के बारे में। आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम अच्छा और लाभप्रद रहा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपके सामने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्तुति और उनके मूल त्रिकोण राशि के बारे में लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, गुरु कर्क राशि में एक अंश से लेकर के पांच अंशों तक उच्च के होते हैं, मकर राशि में एक अंश से लेकर के पांच अंशों तक नीच के होते हैं, गुरु धनु राशि में एक अंश से लेकर के दस अंशों तक मूल त्रिकोणस्थ होते हैं और बाकी मीन राशि में, और जैसे ही वो धनु राशि में एक अंश से लेकर के दस अंशों तक होते हैं तो मूल त्रिकोणस्थ, और अगर दस अंश से लेकर के तीस अंशों तक हो जाते हैं तो वो स्वराशि का फल देते हैं, अर्थात वो साधारण श्रेणी के गिने जाने वाले हो जाते हैं। मेरा काम था बताना, सो बता दिया। आपका काम क्या है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल किसी और विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।